धारा 411 अभियोजन को यह स्थापित करना चाहिए कि आरोपी को पता था कि यह चोरी की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 411 IPC के तहत दोष सिद्धि के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पता था कि यह चोरी की संपत्ति है। शिव कुमार और सह आरोपी शत्रुघ्न प्रसाद के खिलाफ अभियोजन का मामला यह था कि ट्रक से जो लूटा गया सामान मिला था उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे चोरी की संपत्ति है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की। शीर्ष अदालत के समक्ष आरोपी अपीलकर्ता के लिए पेश हुआ। एडवोकेट लव कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया कि धारा 411 IPC अपराध की आवश्यक सामग्री बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, क्योंकि अभियोजन पक्ष है दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है कि आरोपी के पास यह जानकारी है कि जब्त माल लूटे गए ट्रक से चुराया गया है। जब तक अभियुक्तों द्वारा बेची गई वस्तुओं की प्रकृति के बारे में जानकारी स्थापित नहीं हो जाती, तब तक IPC की धारा 411 के तहत उनकी सजा को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट गोपाल झा ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री और सबूत है जो आरोपी के अपराध को स्थापित करते हैं। धारा 411 IPC और त्रियंबकम बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1954 SSC 39 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा है कि धारा 411 IPC के तहत अपराध को घर लाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा, पहला कि चोरी की संपत्ति आरोपी के कब्जे में थी, दूसरा कि आरोपी कब्जे से पहले आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा था, और तीसरा कि आरोपी को पता था कि संपत्ति चोरी की संपत्ति है। जस्टिस KN जोसेफ और जस्टिस हर्षकेश राय की पीठ ने कहा, जब हम वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तावित कानूनी प्रस्ताव को लागू करते हैं तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता को यह पता था कि उसके कब्जे से जब्त की गई वस्तु चोरी का माल है। यह आवश्यक तत्व अपीलकर्ता के खिलाफ स्थापित नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि एक आरोपी के खुलासे के बयान को इस बात के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता को बर्तन चोरी का सामान होने की जानकारी है। अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा है अभियोजन अपीलकर्ता के लिए यह मानने के लिए कोई आधार स्थापित करने में भी विफल रहा है कि उसके पास से जब्त किए गए बर्तन चोरी के सामान थे। कम कीमत पर बर्तन बेचने का तत्व अपने आप में निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता कि अपीलकर्ता को यह पता था कि वह चोरी का सामान है। आवश्यक सामग्री स्पष्ट रूप से IPC की धारा 411 के तहत आरोप के लिए स्थापित नहीं है। केस शिव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 SC 446 CRA 1503 ऑफ 2022 7 सितंबर 2022 जस्टिस KN जोसेफ ऑफ और हर्ष केस राय।